हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ रेडीमेड ब्लाउजेस का हॉल फ्रॉम मीशो। तो इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का हॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये प्रोडक्ट है हमारा ममा आर्ट का। तो ममा आर्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो टॉक्सिक फ्री होते हैं, हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं, आपके स्किन पे, आपके हेयर पे जेंटल रहते हैं। सो डेफिनेटली आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए ममा आर्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एडल्ट्स के लिए बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल या फिर ममा आर्ट की वेबसाइट से। और अगर किड्स के लिए बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो firstcry.com से, अमेजोन से या फिर ममा आर्ट की वेबसाइट से। दोस्तों, अगर आप ममा आर्ट की वेबसाइट से परचेजिंग करते हो, आप यूज़ कर सकते हो मेरा कूपन कोड जो कि है RIMA2024, यानी कि RIMA2024। ये वाला कूपन कोड अप्लाई करने से आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ ममा आर्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफलाइन आपको इजीली मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए इजी रहेगा, आप अपने नज़दीकी स्टोर में जाके ममा आर्ट के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रिव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये है ममा आर्ट का राइस वाटर डीवी एक्टिव सीरम। सो ये सीरम आएगा, एक तरीके का सीरम है ये। तो ये इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है राइस वाटर एंड 10% नियासिनेमाइड। ये 98% जो है इसमें प्योर राइस वाटर रहेगा, B3+ है ये। एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड ऑल स्किन टाइप है। तो अगर आपकी स्किन कोई भी प्रकार की हो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, बिकॉज राइस वाटर जो है हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है। नियासिनेमाइड हमारे स्किन को, स्किन टोन को प्रमोट करने में हेल्प करता है। लाइट वेटेड होता है एंड क्विक अब्जॉर्विंग होता है। ये आपके स्किन को जो है ना एक सॉफ्टनेस देने में, हाइड्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आफ्टर फेस वॉश, आफ्टर टोनर आपको इस सीरम को अप्लाई करना चाहिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पंप फॉर्म में आता है तो जितना ज़रूरत है उतना ही लिक्विड आपका बाहर आएगा, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता। एंड आपको टैप टैप करके इस तरीके से अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे एंड नेक पे। फिलहाल मैं सिर्फ फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, बट आपने फेस पे एंड नेक पे इसको अप्लाई करना है। 1 से 1.5 मिनट का समय दीजिए ताकि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद में जो भी डे क्रीम या फिर नाइट क्रीम आप इसको यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर, दिन में 2 बार आप इसको ज़रूर ट्राई करो। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है ये है हमारा ममा आर्ट का राइस वाटर डीवी सनस्क्रीन, जिसमें की इंग्रेडिएंट्स है राइस वाटर एंड नियासिनेमाइड, SPF 50 PA 4x+ के साथ में ही आता है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, मेड सेफ है। ये आपके स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है, आपके स्किन को टैन होने से बचाता है, साथ ही साथ आपके स्किन को जो है ना काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट रखता है एंड एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र देता है आपके स्किन को। आप देख सकते हो ये भी पम्प फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि काफ़ी इजी रहता है यूज़ करने के लिए। आप इसको जो है ना सन में जाने से 30 मिनट्स पहले अप्लाई कर लीजिए अपने स्किन में, रीअप्लाई करिए आप इसको आफ्टर 6 आवर, काफ़ी अच्छा लॉन्ग स्टे रहता है ये। तो डेफिनेटली आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप देख सकते हो कितनी ईजिली ये अब्जॉर्ब हो गया है मेरे हाथों पे। तो ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सही रहता है, पम्प फॉर्म में आता है, आप इसको ट्रैवलिंग बैग में भी अपने साथ में कैरी कर सकते हो। सो डेफिनेटली गो फॉर दिस। ममा आर्ट अपने सारे के सारे जो कस्टमर होते हैं उनका फीडबैक जानते हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट उनका यूज़ कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आप ममा आर्ट को जो है ना अपना ओपिनियन दे सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, जिसको ममा आर्ट बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से कंसिडर करती है। तो डेफिनेटली ममा आर्ट में आप अपना फीडबैक दे सकते हो एंड वो आपके फीडबैक के अनुसार उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। तो डेफिनेटली ट्राई करिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएगी। एंड आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लाउज है मैंने लिया है यहाँ पे, ये बलून स्लीव्स में ब्लाउज है और ये जो है ना पूरा ब्रॉकेट का जो वर्क होता है ना वो पूरा वैसा वर्क रहेगा। बैक साइड में आपको यहाँ पे डोरी का डिटेलिंग एंड ये लटकन एंड आपको नीचे के तरफ में जो है ना आई थिंक हुक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाएंगे बैक साइड में, यहाँ पे डोरी का डिटेलिंग एंड ये प्यारी सी लटकन मिल जाएगी। आप चाहो तो इसमें और भी लटकन ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। और इसमें कप्स डाले हुए हैं, यहाँ पे पैडेड है ये। तो ये वाला जो ब्लाउज है अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है इसमें, शायद आपको दूसरे कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप इस टाइप का कुछ लेना चाहते हो तो गो फॉर दिस। नेक्स्ट जो ब्लाउज है ये पूरा कॉटन का व्हाइट कलर का ब्लाउज रहेगा। अगेन
ये भी पैडेड रहता है, इसमें भी कप्स डाले गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट कलर का रहेगा। एंड इसका जो मटेरियल है पूरा ओके ओके टाइप का रहेगा। यहाँ पे बैक साइड में कुछ इस टाइप का डिज़ाइन आएगा और हुक्स दिए गए हैं, डोरी का डिटेलिंग मिलता है। अब सच्ची बताऊँ तो इसका जो फिनिशिंग है ना वो इतना कोई खास नहीं है, इसमें भी आपको बलून स्लीव्स मिलेगा, फैब्रिक भी इतना खास नहीं है, फिनिशिंग जो है ना वो भी इतनी खास नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हो, आपको चाहिए वाइट कलर का, तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो इसको, क्योंकि इतना खास नहीं है। फैब्रिक एंड फिनिशिंग दोनों में ही मतलब उतनी मतलब बात नहीं है कि आप लो। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये एक और ब्लाउज रहेगा ऑफ वाइट कलर में। सो आप देख सकते हो ये जो है ना ये काफ़ी प्यारा सा ब्लाउज है। इसमें आपको ये रेड कलर का जो लेस का डिटेलिंग है ना इसकी वजह से इस ब्लाउज का पूरा लुक चेंज हुआ हुआ है। एंड इसमें पूरा आपको वर्क मिलता है एम्ब्रॉयडरी प्लस सीक्वेंस का। एंड यहाँ पे ये रेड कलर का आपको साथ में बॉर्डर मिलता है। बैक साइड में आपको नीचे की तरफ जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हो डोरी का डिटेलिंग मिलता है। वी शेप में आपको नेक मिलता है, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड का नेक जो रहेगा वो वी शेप में रहेगा। अगेन ये भी पैडेड है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, वर्क इसका अच्छा है। तो अगर आप लेना चाहते हो ये वाला ब्लाउज तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। साइजेस सभी में जो है ना लिए हुए हैं मेरे 38 है किसी का, या फिर किसी का 40 रहता है, तो 40 में ऑल्टरेबल है तो आप इसको ऑल्टर करवा सकते हो। नेक्स्ट जो ब्लाउज है ये सिल्क में आएगा, तो ये एकदम मरून कलर का ब्राइट कलर में रहेगा, सिल्वर टोन में इसमें पूरा वर्क रहता है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा थ्रेड एंड सीक्वेंस का आपको इसमें वर्क मिलेगा। फ्रंट साइड में तो है ही, बैक साइड में भी रहता है, राउंड शेप में नेक मिलता है आपको इसका, डोरी का डिटेलिंग मिल जाएगा। यहाँ पे हुक्स जो है ना इसमें आपको फ्रंट साइड में मिलते हैं, एंड इसमें कप्स भी डाले हुए हैं, तो ये पैडेड रहता है, सिल्क का इसका पूरा फैब्रिक रहेगा। तो अगर आपको इस टाइप का ब्लाउज चाहिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। वैसे ये जो है ना 38 है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करवा सकते हो, 38 से आप 39 कर सकते हो, एंड बाकी आप साइजेस चेक कर सकते हो जो भी अवेलेबल है, बट ये वाला 38 है। तो अगर आप लेना चाहते हो इस टाइप का कोई ब्लाउज तो ये आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी डिफरेंट है, लुक भी बहुत प्यारा लगता है, हैवी है, सिल्क के फैब्रिक में है ये। नेक्स्ट जो ब्लाउज मैं शेयर करने वाली हूँ ये जॉर्जेट के मटेरियल में आएगा, जिसमें स्टोन वर्क रहेगा, यू कैन सी ये पूरा स्टोन वर्क रहता है, सिल्वर टोन में आएगा ये, कुछ इस टाइप का ब्लाउज रहेगा। इसमें यहाँ से थोड़े बहुत स्टोन जो है ना निकले हुए हैं, यहाँ पे आपको नेट की स्लीव्स मिलेगी। इसकी क्वालिटी ओके ओके टाइप की है, मतलब इतनी कोई खास क्वालिटी नहीं है। बैक साइड में आपको हुक्स मिल जाएंगे, डोरी का डिटेलिंग मिल जाएंगे। ये भी ब्लाउज जो रहेगा पैडेड रहेगा, बट यस मैं बताऊँ आपको कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जो स्टोन से ना निकल सकते हैं, आप देख सकते हो ये जो स्टोन लगे हुए निकल सकते हैं, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इतना ओके ओके टाइप का है ये, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी एक्सपेक्ट मत करिएगा। ये भी 38 है, ऑल्टरेबल है, थोड़ा बहुत ऑल्टर हो सकता है, ज़्यादा ऑल्टर ये नहीं होगा, तो साइज़ आप चेक करके ही परचेज करें। नेक्स्ट जो ब्लाउज़ मैं शेयर करने वाली हूँ ये वायलेट कलर में, काफ़ी खूबसूरत ब्लाउज़ है, और स्क्रीन पे ये ब्लू जैसा दिखता है बट ये रियल में थोड़ा ना वायलेट कलर में है, ब्लू कलर का नहीं है ये। तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सुंदर वर्क आपको मिलेगा, सिल्क का ब्लाउज़ है, अगेन हैवी वर्क आपको मिलता है, यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत काम इसमें आपको मिलेगा। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, ऑल्टरेबल है ये 40 साइज़ का है, ऑल्टरेबल आएगा, और यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में जो है ना हुक्स मिलते हैं, एंड बैक साइड में डोरी का डिटेलिंग मिल जाएगा। तो अगर आप ये वाला ब्लाउज लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस, क्वालिटी एंड लुक बहुत अच्छा आने वाला है। नेक्स्ट जो ब्लाउज़ मैं शेयर करने वाली हूँ ये एक पेस्टल कलर में ब्लाउज़ है, काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सिल्क का फैब्रिक है ये, एंड पूरा पेस्टल कलर में आएगा। इसमें भी आपको कप्स मिलते हैं, वी शेप में फ्रंट एंड बैक साइड का नेक रहेगा, डोरी का डिटेलिंग मिलेगा, बैक साइड में हुक्स मिलेंगे, एंड इसमें जो स्लीव्स आपको मिलेगी ना 3/4 थोड़ी सी लॉन्ग स्लीव्स मिलती है, जिसमें आप देख सकते हो थ्रेड का जो काम है फैब्रिक में वो तो है ही, साथ ही साथ आपको एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस का वर्क भी स्लीव्स में मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लुक लगता है, मुझे लगता है कि काफ़ी स्टैंडर्ड लुक लगता है। आप इसको साड़ी के साथ में, लहंगे वगैरह के साथ में वेयर कर सकते हो, काफ़ी सुंदर लुक आने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आप लेना चाहते हो तो गो फॉर दिस। एंड ये भी ना 38 है, ऑल्टरेशन हो सकता है इसका, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा आप इसको कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
क्योंकि मेरा जो साइज़ है वो 42 है एंड 42 साइज़ में मैंने काफ़ी सारे ढूंढे बट मुझे इतने पसंद नहीं आए, तो इसीलिए मैंने सोचा जो 38 या 40 है वो मैं ट्राई करके आपको ज़रूर बताऊँ कि इनकी क्वालिटी कैसे। मैं वेट करके तो नहीं दिखा सकती सारे के सारे ब्लाउजेस को, बट यस मैं आपको ऊपर ऊपर से मोटा मोटा रिव्यूज़ ज़रूर दे सकती हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये भी जो है ना 38 से 40 का है, बट सारे ऑल्टरेबल है, आप इनको ऑल्टर करा सकते हो, बट ऑल्टर भी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है, 19-20 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे मैंने उसके बारे में वही बताया, जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे उसके बारे में मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएगी, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।